आप देख रहे हैं वेतन सार। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे पैसा और स्वास्थ्य के लिए 9 आसान फेंग शुई टिप्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। किसी भी इंसान से अगर आप पूछते हैं तो उसको जिंदगी में क्या चाहिए, तो अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा, पैसा, प्यार और स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को तीन चीजों की इच्छा हमेशा से बनी रहती है, तो इसके लिए लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करते हैं। वहीं कभी किसी की चाहत पूरी हो जाती है तो कभी किसी की अधूरी ही रह जाती है। यही नहीं, कुछ लोगों को तो इन तीनों मामलों में प्रयास करने पर भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर चीनी वास्तु विज्ञान में फेंग शुई में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर धन को आकर्षित करता है और रिश्तों में नजदीकियां भी लाता है। यही नहीं, आपको स्वस्थ बनाए रखने में भी काफी सहायक होता है। तो दोस्तों, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे फेंग शुई के 9 आसान टिप्स के बारे में। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फेंग शुई में डॉल्फिन मछली को धन, खुशहाली और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे आप चाहे तो अपने घर में, ड्राइंग रूम में या फिर शयन कक्ष में रख सकते हैं। बता दें कि वयस्कों को व्यापार में उन्नति के लिए इन डॉल्फिन मछलियों को अपने दफ्तर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान में जरूर रखना चाहिए। वहीं चीन के बड़े व्यवसायी मानते हैं कि उनके पास धन होने की असली वजह है सुनहरी ड्रैगन मछली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो अपने घर में एक्वेरियम रखें, जिसमें आप सुनहरी ड्रैगन मछली आसानी से रख सकते हैं। अब बात फेंग शुई में इस्तेमाल किए जाने वाले मैंडरिन बतख की। जी हाँ दोस्तों, यह हमेशा जोड़े में ही रहता है, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे अपने बेड में रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ता है। यही नहीं, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी यह कारगर माना जाता है। फेंग शुई में इस्तेमाल किए जाने वाला चाइनीज सिक्का भी काफी लकी माना जाता है। कहते हैं कि अपने वॉलेट में या फिर पर्स में अगर आप 3 चाइनीज सिक्के रखेंगे तो आपकी आय और धन में वृद्धि जल्दी ही होगी। बता दें कि आप अपने लॉकर और अपने धन रखने के स्थान में भी यह रख सकते हैं, जो घर में बरकत लाने का काम करता है। दोस्तों, पांचवा है, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर समान आकृति की 3 घंटियां एक लाल धागे में बांध कर लटका दें, फेंग शुई के अनुसार यह आपके घर में सुख व शांति और उन्नति में सहायक साबित होता है। वास्तु विज्ञान की तरह फेंग शुई भी मानता है कि कछुआ उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। फेंग शुई के अनुसार अपने घर में धातु का बना हुआ कछुआ एक बर्तन में पानी भरकर रखने से धन और समृद्धि में इजाफा होता है। इसे हमेशा ही कमरे के उत्तर दिशा में रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने घर में बोनसुई बांस का पौधा जरूर रखें। इसे आप ड्राइंग रूम में रखें, यह आपके घर में उन्नति का प्रतीक होता है। आप चाहे तो इसे अपने कार्यस्थल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भी रख सकते हैं। जान लें कि हमेशा वृद्धि और तरक्की की ओर ले जाने की ऊर्जा प्रदान करता है। यही नहीं, फेंग शुई में 3 टांगों वाले मेंढक को भी धन संबंधी मामलों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह अपने मुंह में एक सिक्का दबाए रहता है। इसे अपने घर में इस प्रकार रखें कि इसका मुंह घर के अंदर की ओर आता दिखे। कम से कम 3 ऐसे मेंढक घर में हो तो अच्छा होता है। यही नहीं, आमदनी में वृद्धि करने में भी यह सहायक होता है, और आप इसे अपने ऑफिस और दुकान पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, 9वें फेंग शुई के बारे में आपको बताते हैं। माना जाता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। यही मान्यता चीन में भी है, इसलिए वह सोने के सिक्के से भरा कलश घर में रखते हैं। यह कलश धन के मामले में भी बहुत ही शुभ होता है। इसे घर में उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे फेंग शुई के कुछ आसान टिप्स। दोस्तों, अगर आप भी इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में पैसा, प्यार और स्वास्थ्य तीनों को ला सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।